दोस्तों नमस्कार, आप सभी को फिर से अरुण भूमि डिजिटल पेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों इस वक्त मैं खड़ा हूं जो पालिन हायर सेकेंडरी स्कूल के सामने। आप जस्ट मेरे पीछे देख रहे होंगे वह पालिन हायर सेकेंडरी स्कूल के जो गेट है। आपको मैंने पहले न्यूज़ में भी यही बताया कि पालिन हायर सेकेंडरी स्कूल जो 1957 को इस्टेब्लिश हुआ था और बहुत पुराना स्कूल माना जाता है। यहाँ से बहुत लोग पढ़ के निकले हैं, अभी बहुत ऑफिसर भी बन गए हैं। और ये स्कूल को इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो स्कूल तो इतना खराब कंडीशन में, बहुत ठीक ठाक मेंटेन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोग जब हॉस्टल की बात करते हैं, जब बॉयज़ हॉस्टल तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन यहाँ पर हम लोग यहाँ आए हैं गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पर है। तो गर्ल्स हॉस्टल जब बेटियों की जब बात की जाती है, भारत सरकार भी ये बोलता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, तो उसके साथ साथ सुरक्षा की बात की जाती है, यानी सिक्योरिटी रीजन की बात की जाती है। तो यहाँ पर जब अरुण भूमि टीम यहाँ पर आकर के देखा कि यहाँ पर हॉस्टल है, ये ऐसे बताया जा रहा है कि मैं कैमरा मैन से कहूँगा, ये जो है ये इसी रास्ता से जो है गर्ल्स हॉस्टल की ओर जाता है। लेकिन जब सिक्योरिटी की सुरक्षा की जब बात की जाती है तो ऐसे देखा गया है कि ऐसे भी बताया जाता है कि यहाँ पर कोई सुरक्षा के लिए कोई यहाँ पर तैनात नहीं है। साथ ही साथ ये गेट जो है ऐसे ही खुला का खुला रहता है। और ये जिस रोड से हम लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये एकदम आप यूँ कहें कि ये पालिन का हाईवे है, क्योंकि यहाँ से सभी लोग गुजरते हैं। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये बनता है कि जो बच्चों के लिए, जो बच्ची के लिए, जो बच्चे पढ़ते हैं, जो लड़की बच्चे पढ़ते हैं, उसके लिए सुरक्षा क्या है। तो उसको जानने के लिए यहाँ पर एक बेटी हमारे साथ है जो यहाँ पढ़ती है। तो मैं यहाँ बेटी पढ़ती भी है और यहाँ बेटी है, मैं उनसे कुछ बातें जानना चाहूँगा। तो बेटी, आपसे मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि आप जब आप हॉस्टल में बैठती है तो आपका यहाँ मतलब सुरक्षा मतलब सिक्योरिटी को लेकर आप लोग का ये ठीक है क्या, क्या क्या है? सिक्योरिटी तो कुछ भी नहीं है, ऐसे गेट खुला का खुला रहते हैं और भी इसमें कोई भी कुछ ऐसे बदमाश लड़का ऐसे नहीं आते ऐसे ही बस। लेकिन बदमाश लड़का नहीं आता है बोल के हम लोग गेट को खुला का खुला रखना भी तो गलत बात है ना, कभी भी कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है? वो भी है लेकिन पता नहीं। तो आपके हॉस्टल में जो मतलब जैसे आप लोगों को लड़कियों को मतलब जो सुविधा मिलना चाहिए, मतलब आपको जो जो मतलब सरकार की तरफ से कुछ मिलना चाहिए, खाने पीने का, उसके बाद रहने का, साथ साथ पानी और बिजली मतलब लाइट सब ठीक है क्या अंदर? हाँ ठीक ही है। तो यहाँ से तो मैं देख रहा हूँ तो यहाँ पर आपका पूरा जंगल है आपका हॉस्टल, और हमको ऊपर जाने का इजाज़त भी नहीं दिया जा रहा है। लेकिन हम ये देखते हैं कि आप जहाँ से मैं देख रहा हूँ पूरा जंगल है, तो इसमें क्या आपका कुछ हॉस्टल बर्डन है यहाँ पर? पता नहीं है कि नहीं, पता नहीं आपको? पता नहीं। कितना महीना हो गया यहाँ बैठे आप? शायद 2 महीना हो रहे हैं अभी ना। हाँ तो आप खुश है ना? लेकिन ठीक है। चलिए, ये हमको ये बता रहे थे कि सिक्योरिटी रीजन उन्होंने ये भी बताया, मतलब इस हॉस्टल में कोई इतना डिफेक्ट मतलब कुछ नहीं है, मतलब हॉस्टल बढ़िया प्रोवाइड किया जा रहा है। लेकिन सिक्योरिटी की बात की है क्योंकि सिक्योरिटी बहुत जरूरी है। मैं जब भारत सरकार की जब बात कर रहा था उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की नारा दी जाती है, तो सिक्योरिटी की जब बात की जाती है तो मेरा रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से यही है कि जो बच्चे ने कहा है कि यह सिक्योरिटी जो नहीं है, तो मैं उससे भी यहाँ के डीसी से भी डीडीए से भी यही अपील करना चाहता हूँ, ऐसे चीज़ों को गंभीरता से ले। ऐसे ना हो कि कल को कुछ हो जाए तो उस समय आप जागे,